हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो देखिए, यहाँ सुबह हो गया है लेकिन हम थोड़ा लेट से ही चाय चढ़ाए इनके लिए। हम चाय पीते नहीं हैं, ये चाय पीते हैं। और ठंड में ये मना कर रहे थे चाय बनाने से, अभी बोले थोड़ा लेट से ही पियेंगे। तो यहाँ पे मेरा चाय बन रहा है, और हम सुबह सुबह पीते हैं गर्म पानी। तो गर्म पानी वहाँ चढ़ाए हैं पीने के लिए। हो गया, पानी भी गर्म हो गया है। ये पियेंगे चाय और हम पियेंगे गर्म पानी। उसके बाद सब्जी वगैरह काटेंगे, चढ़ाएंगे, तब मेरा नाश्ता बनेगा। ठंड तो अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बाप रे, बहुत ठंड है बाहर। बारिश हुआ है, हमको तो पता भी नहीं था। बारिश हुआ है, बारिश, रोटी बाहर बारिश हुआ है। देखते हैं अभी खोल के, उधर का ताला खोलना पड़ेगा। इधर लॉक रखते हैं, नहीं तो खुला लॉक रखना पड़ता है। देखिए, बारिश हुआ है, पूरा छत गीला है, छत पे थोड़ा थोड़ा पानी भी जमा है। खैर, ये भी अच्छा हुआ, बारिश का पानी जाएगा फूल में, तो फूल बड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन ठंड तो फिर से बढ़ा देगा आज। देखिए, छत में पानी जम गया है। इसमें भी पानी चला गया, वेस्ट मटेरियल इसमें डालते थे, खाद बना रहे थे, इसमें भी पानी चला गया। उफ, इसको ढक के रखना चाहिए था हमको। इसको ना किसी पोलोथीन से ढक देंगे, नहीं तो इसमें पानी बार बार जाते रहेगा तो ये ख़राब हो जाएगा। बारिश का पानी जाता है पौधा में, फूल में, तो बड़ा अच्छा एकदम हरा भरा लगता है, अच्छा लग रहा है। कल शाम में इसमें खाद डाले हैं, ये वाइट वाइट दिख रहा है, मिट्टी में खाद डाले हैं सब में। बारिश के कारण ठंड भी बढ़ा दिया, ठंड जा नहीं रहा है बाहर और आ रहा है लौट के। झाड़ू भींग गया, छूट गया मेरा झाड़ू। गरम पानी ज्यादा हो गया है ना। अभी कैसा है बेटे तुम्हारी तबीयत? कल से ठीक है? कल इसको सर्दी बहुत ज्यादा हो गया था, सर्दी, सर में दर्द। तो रात में ये दवाई ला के दिए थे इसके पापा, तो खाइए, अभी बोल रही है थोड़ा ठीक है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में प्याज डाला है, प्याज फ्राई कर रहे हैं, भून रहे हैं। उसके बाद प्याज लाल हो जाएगा तो फिर इसमें हल्दी वगैरह डालेंगे, सारा मसाला डाल के भून के फिर इसमें आलू डाल देंगे। आलू मेरा उधर बॉयल हो चुका है कुकर में, और गोभी मैंने पानी में पहले बॉयल किया है ताकि उसका जो है ना सारा गंदगी बाहर आ जाए। उसमें नमक डाल करके थोड़ा चूल्हे पे चढ़ा के ना उसको बॉयल करते हैं तो उसका सारा गंदगी साफ़ हो जाता है, एकदम वाइट दिखने लगता है गोभी। तो वो मेरा हो चुका है, और उसको फिर बाद में थोड़ा हल्का तेल में फ्राई करके रखे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर मेरा मसाला भून रहा है, इसमें अब मैंने हल्दी डाला है। हल्दी को मैंने तेल में ही पका लेती हूँ मैं यहाँ पे, ताकि कलर सब्जी में ना बहुत अच्छा आता है। देखिए ग्रेवी कितना अच्छा लग रहा है। फिर मैंने सारा मसाला डाल दिया है, और फिर इसमें टमाटर भी वगैरह भी डाल दी हूँ मैं, और इसको थोड़ा सा हल्का सा भून के फिर इसमें आलू भी डाल दूँगी। देखिए आलू मेरा यहाँ पर बॉयल हो चुका है, और यहाँ पर मेरा सब्जी हो गया। और अब मैं यहाँ पर रोटी बनाने के लिए जा रही हूँ।
रोटी मेरा हो जाएगा, फिर बच्चे लोग खाएंगे नाश्ता करके, फिर पढ़ाई करने बैठेंगे। क्योंकि मैंने सुबह उसको जगाया नहीं था, क्योंकि हॉल में ही यहाँ पे क्लास करता है कंप्यूटर पे वो अयांश। तो यहाँ इधर से ना पीछे गेट है, जहाँ से वाइट वाइट दिख रहा है उधर से पूरा रोशनी आ रहा है, तो उधर से बहुत हवा आता है और ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगता है यहाँ पे। तो उसको मैंने नहीं जगाया सुबह, क्योंकि उसको खांसी होने लगता है हवा में यहाँ पे। तो बारिश पड़ा था तो ठंड भी काफ़ी था, तो इस वजह से बाद में करेगा वो, मोबाइल पे आएगा ना उसका होमवर्क, तो फिर वो कर लेगा। और यहाँ पे देखिए जग गया है, उठ गया है, यहाँ पे बैठ के कंप्यूटर पे, इसका क्लास तो ख़त्म हो गया था तो ऐसे ही कुछ कंप्यूटर पे देख रहा है। बस नाश्ता करेगा, मेरा रोटी बन जाएगा तो दोनों को नाश्ता दे देंगे, दोनों का नाश्ता हो रहा है, उसके बाद पढ़ाई करेगा। यहाँ पे नाश्ता मेरा बन गया है, आलू गोभी का सब्जी और रोटी, तो वही ये दोनों नाश्ता कर रहे हैं। और उधर कचरा वाला आ गया है, तो उनको जाना पड़ेगा नीचे कचरा देने के लिए, क्योंकि आज तो देना ही पड़ेगा, बारिश हुआ है तो दो दिन से जमा है कचरा, तो आज दे देते हैं। उससे डेली हम कचरा नहीं देते हैं, क्योंकि नीचे जाना पड़ता है, तो इस वजह से हम दो दिन के बाद तीसरे दिन कचरा डालते हैं नीचे जाके। सीटी बजा रहा है कचरा वाला, आ रहा है कचरा दे करके नीचे से। और यहाँ पे मैं यहाँ पे अब झाड़ू लगा रही हूँ, ये लोग का नाश्ता उधर मैंने दे दिया है, तो ये लोग नाश्ता कर रहे हैं उधर, और मैं इधर झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू हो जाएगा फिर बाद में मैं पोछा करूँगी, और उसके बाद यहाँ पे जो है ना, बच्चे डेली डेली इतना रूम गंदा हो जाता है, जबकि हर जगह बंद रहता है दरवाज़ा, फिर भी इतना गंदा हो जाता है। बच्चे लोग ना जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो कभी पेपर इधर फाड़ के फेंकते हैं, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, और इस वजह से भी ज़्यादा गंदा हो जाता है रूम, और धूल भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। मतलब घर के आगे यहाँ पे रोड है तो गाड़ी सब चलते रहता है, तो उसके कारण धूल भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, तो गंदा हो जाता है घर। तो अच्छे से डेली साफ करना पड़ता है झाड़ू पोछा अच्छे से, नहीं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। टाइल्स भी इतना गंदगी दिखता है, एक तो वाइट टाइल्स है तो इसमें जो बहुत ज़्यादा गंदगी दिखता है। तो मेरा यहाँ पे झाड़ू हो गया है, और यहाँ पे मैं मेरे कपड़े कुछ बिखरे पड़े थे तो सूख गया था, मैंने धोया था कल इसको, तो वही उठा के रखे हुए थे, सूख गया था तो मैं इसको समेट रही हूँ। और ये देखिए मेरा टेबल क्लॉथ है, मैंने अपने हाथ से बनाया था ये शादी के पहले, तो वही मेरे पास था रखा हुआ, तो वही यहाँ पे एक ड्राम है जिसके ऊपर हम मिक्सी रखते हैं, तो उसी पे हम उसको इसको फैला रहे हैं, बिछा रहे हैं तो ये ड्राम के ऊपर, और फिर उसके ऊपर मिक्सी रख देते हैं। और यहाँ पे मेरा कपड़ा था सूखा हुआ, तो उसको एक तरफ से सब समेट लेंगे। उसके बाद मेरा ये स्वेटर था जिसको कल धोए थे तो सूख गया था, मशीन में सुखाते हैं तो बाहर फिर जल्दी ही सूख जाता है, तो ये सब सूख गया था, तो मैं एक एक करके यहाँ पे समेट रही हूँ। ये मेरा चादर है, और बच्चे का भी है कपड़ा, और गमछे वगैरह तो तीन चार रखना पड़ता है, क्योंकि मतलब होता है ना एक बार पैर हाथ पोछो तो फिर वो भींग जाता है, और फिर भींगा हुआ फिर गमछी को यूज ही नहीं करना चाहता है, सबको मतलब सूखा कपड़ा ही चाहिए, भींगा हुआ एकदम अच्छा नहीं लगता है फिर दोबारा से उसमें पोछने में, तो तीन चार गमछी हो जाता है, तो मतलब डेली डेली इसको धोना सुखाना समेटना, बच्चे लोग जहाँ तहाँ छोड़ देते हैं फैला के, तो ये सारा काम हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि डेली का काम जो ये रूटीन जो है ना लेडीज़ का, आसान नहीं है करना, बस रोज़ रोज़ झाड़ू पोछा बर्तन नाश्ता खाना कपड़ा, मतलब डेली का डेली काम है, मतलब आसान नहीं है करना, मैं तो यही कहूँगी। और फिर उसमें ना ये वीडियो शूट करना बनाना,
पहले ना हमको लगता था कि सबका वीडियो देखते थे तो हम भी बनाएंगे, लेकिन ये सब करना आसान नहीं है।